हेलो गाइस वेलकम टू आधार शिला एकेडमी आधार शिला एकेडमी में आप सबका स्वागत है जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज के सेशन में हम एक बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो है हाउ टू फाइंड द साइड ऑफ रेक्टेंगल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि स्क्वायर के एरिया के हेल्प से हम रेक्टेंगल की कोई भी साइड कैसे फाइंड कर सकते हैं ये हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे तो चलिए जल्दी से अपना क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं तो हमारा आज का क्वेश्चन है द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर फाइंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क यानी कि जो स्क्वायर पार्क है उसका एरिया है और एक रेक्टेंगुलर पार्क है उसका एरिया है इन दोनों के एरिया आपस में सेम है यानी कि जितना स्क्वायर पार्क का एरिया होगा उतना ही रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया भी होगा अब हमें स्क्वायर पार्क की साइड दी है जो है सिक्सटी मीटर और जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ दी है जो है नाइनटी मीटर अब हमें यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ पता करनी है तो चलिए सबसे पहले इसको हम डायग्राम बनाकर समझते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्क्वायर शेप ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया हमारा स्क्वायर पार्क। इसके बाद हम रेक्टेंगल तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर पार्क अब यहां पर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो स्क्वायर का एरिया है वो इक्वल है रेक्टेंगल पार्क के एरिया के यानी कि इन दोनों पार्क का एरिया आपस में सेम है अब हमें यहाँ पर जो स्क्वायर पार्क है उसकी साइड दी है वो है सिक्सटी मीटर और ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसकी लेंथ दी है जो है नाइन्टी मीटर अब हमें इस रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ निकालना है यानी हमें इसकी ब्रेथ पता करनी है तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो गिवन होता है वो हमें लिखना होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन उसमें सबसे पहले हमें बोला गया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क यानी कि इन दोनों का एरिया इक्वल है अब हमें स्क्वायर पार्क की साइड दी है है जो 60 मीटर उसके बाद हमें रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ दी है जो है 90 मीटर तो सबसे पहले हम स्क्वायर पार्क के एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क होगा इक्वल टू साइड इंटू साइड एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड अब यहां पर जो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क है वो हो जाएगा 60 मीटर इंटू सिक्स मीटर हमें स्क्वायर पार्क की एक साइड दी है और हमें पता है कि बाकी की चारों साइड जो होती है स्क्वायर पार्क की वो एक दूसरे के इक्वल होती है यानी सेम होती है तो उस तरह एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हो जाएगा 60 मीटर इंटू सिक्सटी मीटर जो हो जाएगा थ्री सिक्स डबल जीरो स्क्वायर मीटर तो यहाँ पर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क निकाल लिया जो है थर्टी सिक्स हंड्रेड स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमें क्वेश्चन में गिवन है बोला गया है तो यहां पर हमने स्क्वायर पार्क का एरिया निकाला जो था थर्टी सिक्स हंड्रेड स्क्वायर मीटर वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क के इस तरह दोनों का एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्टी सिक्स हंड्रेड स्क्वायर मीटर अब यहाँ पर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क लिखेंगे जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आता है लेंथ ब्रेथ तो यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमें एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क से मिल चुका है यहाँ हम लिखेंगे 3600 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हमें लेंथ दी है रेक्टेंगुलर पार्क की जो है 90 मीटर इंटू ब्रेथ तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला इसको हम आगे सॉल्व करेंगे इसको हम लिखेंगे थर्टी सिक्स हंड्रेड मीटर स्क्वायर को हम लिखेंगे मीटर इंटू मीटर ये जो 90 मीटर है ये इक्वल टू के इस साइड आकर डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3600 मीटर इंटू मीटर अपॉन नाइन्टी मीटर नीचे से मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा और जब हम 3600 को 90 से डिवाइड करेंगे तब हमें मिलेगा ब्रेथ तो यहां पर इक्वल टू हो जाएगा ब्रेथ और जब हम थर्टी मीटर को 90 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 40 मीटर और यही होगा ब्रेथ यानी कि हमने जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी जो ब्रेथ है वो हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं और वो है 40 मीटर तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी क्वेश्चन था अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा और उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा तो चलिए आज के सेशन के लिए बस इतना ही अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के पार्ट्स लेकर और ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर